क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट द रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन. आपने क्या करा है, किट्टे को रेक्टेंगुलर रीजन, इस रेक्टेंगुलर के रीजन में फेंक दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डाइज है वो इस सर्कल के अंदर आए. ठीक है, तो ये निकालना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया किसका, रेक्टेंगल का. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पता ही आपको, एल इंटू बी. तो एल हमें दे ही रखी है, कितनी है 3, और बी कितनी है 2 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अगर हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई कितना है, 22/7, आर कितना है, डायमीटर कितना है 1. तो जब हम डायमीटर का आधा कर देते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है रेडियस. तो हमारे पास डायमीटर कितना था, 1 था, हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा रेडियस आ गया. तो हम रेडियस को यहां रख देते हैं 1/2, यानी कि हमने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर 2 लिखा है, 2 बार खोल दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा 11. क्या है आंसर, 11/14. ओके, अब ये दो चीजें आ चुकी है. अब हम क्या करेंगे, हमें बोल रहा है कि सर्कल के अंदर गिरना चाहिए डाइस. तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डाई लाइज विद इन अ सर्कल, राइट. तो हम लिखेंगे डाई लाइज विद इन अ सर्कल. ओके, अब हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल, क्या लिख सकते हैं हम इसमें, 1 सेकेंड, हम इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं. देखो यहां से पता चल जाएगा क्या बोल रहा है कि आप लिख सकते हो इसके नीचे टोटल आउटकम्स भी डाल दोगे तब भी चलेगा. तो टोटल आउटकम्स, अब मुझे ये बताओ कि डाई जो है उसका कितना एरिया आया था सर्कल का, सर्कल का आया था 11/4, राइट. तो हम लिखेंगे 11/4, और ये जो पूरी जगह है वो कितनी कैप्चर हो रही है, वो कैप्चर कर रहा है रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो नीचे आएगा. तो हम लिखेंगे, इसके नीचे लिख देते हैं रेक्टेंगल का एरिया कितना था, 6. अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, राइट. तो 11 की मल्टीप्लाई 1 से और 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से. तो आएगा 11/24, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा.